तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज जो ब्लॉग्स मैं बना रहा हूँ, तो मुझे आज Q&A ब्लॉग्स बनाना था, लेकिन मैं अपना जो आप लोगों के लिए समझाने के लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग किस प्रकार यूट्यूब पे काम करोगे और किस आगे बढ़ सकते हो यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं मतलब अपना क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूँ। कल से मेरा तबीयत डाउन जा रहा है दोस्तों, तो मैं कल मैंने ब्लॉग्स भी नहीं बना पाया था, तो मैंने आज ब्लॉग्स बनाया दोस्तों। मैं कुछ नहीं ऐसी चीज़ें आप लोगों को बता के जाऊंगा इस ब्लॉग्स में, कि आप लोग अगर उसको फॉलो करोगे तो आप मतलब आगे बढ़ जाओगे। अगर इस प्रकार से आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को कन्फर्म करा के जाऊंगा इस ब्लॉग्स में दोस्तों। रहना हमारे चैनल पे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। और जो आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनके पास हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे ब्लॉग्स के लिए पूरा वॉच कीजिए दोस्तों। जो हमारा वॉच टाइम है ना, तो वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ में हमारा जो सब्सक्रिप्शन है तो वो भी हमारा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि मैं हर वीडियोस में एक ही बात कहता हूँ कि मतलब हमारा जो वॉच टाइम है वो कम है। तो दोस्तों, ये सच बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि जो हमारा वॉच टाइम है ना, बहुत कम है दोस्तों। अभी मेरा मतलब चैनल ग्रो तो हो गया है सब्सक्रिप्शन से, लेकिन जो वॉच टाइम की वजह से मेरा मोनेटाइज नहीं हो पाएगा चैनल, वो ही कर हो पाएगा। तो जो यूट्यूब हमारे लिए कई प्रकार की मतलब सुविधाएँ देता है, और उन सुविधाओं के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है यूट्यूब पे, तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करोगे ना, तो वो सारी मैंने एक्टिविटी हमारे चैनल में खुल जाएंगी। और जब हमारे चैनल में ओपन हो जाएंगी ना, तो आप लोगों को ब्लॉग्स में देखने में और भी मस्त मिलेगा, मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को लेके आऊँगा, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें हैं ना वो बढ़ जाएंगी मतलब ब्लॉग्स बनाने के लिए। तो आप लोगों को एक से एक बढ़ के ब्लॉग्स भी डालूंगा, और साथ में जो आप लोग शहर की कुछ चीज़ें देखना चाहते हो तो वो भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगा। और जो हमारे विलेज में मतलब उतना डर लगता है ब्लॉग्स बनाने में अपने गांव के अंदर, तो मैं फिर खुल के ब्लॉग्स बनाऊंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब मुझे पैसा मिलने लगेगा ना, तो मुझे कोई डर नहीं रहेगा किसी का, फिर मेरे पास सबूत रहेगा ना कि मुझे पैसा मिलता है, मैं काम करता हूँ। तो अभी थोड़ा डर पैदा हो जाता है मेरे अंदर कि अभी मुझे पैसा नहीं मिलता है, ऐसा नहीं हो मेरा चैनल डेट हो जाए मतलब गिर जाए, तो इस चीज़ से अभी मैं डर रहा हूँ। मेरा सब्सक्रिप्शन है तो वो मेरा अच्छा बढ़ चुका है, उससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉच टाइम की दिक्कत जा रही है दोस्तों। मेरा एक दिन में बहुत कम वॉच टाइम मैंने ग्रो हो रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करो मुझे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करो मेरे वीडियोज़ के लिए, और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज जो मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ, तो मैं अभी खेत पर आया था और खेत पर ही ब्लॉग्स बना रहा हूँ। अब मैं यहीं से सारा ब्लॉग्स आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियोस के लिए अच्छा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा खेत है, और मैं यहाँ खेत का काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ, इसलिए मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा था वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो जुंडी लगा है ना, तो ये पूरी तरह से पक गया है, जो इसका दाना है ना तो दबा है, मतलब जुंडी के जो यहाँ पौधा लगा है ना, तो पौधे से ये दाने हैं ना तो किस प्रकार निकल आए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो मैंने जो पिछला वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, तो उसमें अभी जुंडी ऐसा नहीं था, तो जो वहाँ जो आप लोगों के लिए दिख रहा होगा दूसरा वाला पौधा यहाँ पर, तो ऐसा था। तो दोस्तों, अब इस प्रकार का हो गया है, तो आप लोग देख सकते हो। देखिए, ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये तो अभी पूरा कच्चा ही दिख रहा होगा आप लोगों के लिए, तो यहाँ भी लगा है, तो ये वाला भी अभी पूरा कच्चा ही है। तो दोस्तों, कुछ जुंडी के पौधे हैं ना जो अभी हरे हैं, और कुछ जो पौधे हैं ना तो वो पक चुके हैं, तो जो पक गए हैं ना उनको हम लोग काटेंगे, और जो अभी रह गया है बाकी का ये वाला, तो इनको अभी रहने देंगे, बाद में इसकी कटाई होगी। मतलब जो अभी दीपावली आ रही है ना, तो दीपावली के आसपास इसको काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारा कल का वीडियो आने वाला है ना, तो हम लोग हमारा जो फैमिली मेम्बर है, तो हम लोग सभी जाएंगे माता रानी के पास में, और वहाँ से अच्छा ब्लॉग्स बना के लाएंगे हम लोग। वहाँ जो माता रानी हैं, तो किस प्रकार के वहाँ मंदिर बने हुए हैं, और लोग वहाँ जाते हैं अपनी मतलब मान्यता लेके, या अपने जो उनको मैंने दीन दुखी होते हैं, तो उन सारी मतलब पीड़ा हर लेती हैं माता जी। तो वहाँ हम लोग कल जाएंगे, और वहाँ आप लोगों को वहाँ का मंदिर भी दिखाएंगे, रिया में जो मंदिर बना है माता रानी का, तो किस प्रकार का मंदिर है, कितनी दूरी पर है हमारे यहाँ से, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कन्फर्म करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो कल के वीडियोस में ज़रूर आ जाना आप लोग, और कल का वीडियोस बहुत ही मस्त होने वाला है। मैं घर से ही ब्लॉग्स बनाना रेडी करूँगा, तो वहाँ तक मेरा ब्लॉग्स क्लियरली बन जाएगा। और वहाँ जो माता रानी है, तो वहाँ हम लोग शॉपिंग भी करेंगे, और वहाँ मेला भी भरता है दोस्तों, तो वहाँ आप लोगों के लिए मेला भी दिखाएंगे, कि मेला वहाँ अभी छोटा लगा दशहरा आ रहा है ना, दशहरे को मेला काफ़ी भरता है वहाँ पर, जो जो बारी होती है दिवाला होता है, तो उनको मतलब वहाँ जाता है माता रानी के पास में। तो बहुत से मेरे गाँव में भी अभी दिवाला रखा है, मेरा खुद का भी रखा है, तो हम लोग जो हमारे खीर वरीर माता है ना, वहाँ का भी दिवाला रखा हुआ है, तो हम लोग वहाँ भी दिवाली के लिए मैंने चढ़ाने के लिए खप्पर के लिए,
तो आपको वहाँ का भी दिखाएंगे, माता रानी का दर्शन भी करवाएंगे। तो दोस्तों कल का भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और आप लोगों से यही कहूँगा कि दोस्तों मुझे सपोर्ट करो, और आप भी आगे बढ़ोगे या मैं भी आगे बढ़ूँ। जो भी काम कर रहे हो, या कॉमेडी का या ब्लॉग्स का या मतलब टच का कुछ भी काम कर रहे हो, या आप मैंने यूट्यूब पर काम नहीं कर रहे हो और भी काम कर रहे हो पर्सनल अपना, तो वो भी कीजिए और आप बात कीजिए, तो मैं आप लोगों को भी सपोर्ट करूंगा, आप मुझे भी सपोर्ट करोगे तो मुझे भी आप लोगों का उम्मीद बढ़ जाएगी दोस्तों मुझे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता था। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, तो मैंने चैनल खोल के रखा है यूट्यूब पर, तो आप लोग जाइए हमारे चैनल को वॉच कीजिए, और आप लोगों को जो भी जिस प्रकार का मैंने प्रोग्राम आपको देखना है, तो हर प्रकार का प्रोग्राम मिल जाएगा। जैसे अगर आपको मेरा ब्लॉग से देखना है तो मेरे चैनल पर जाइए, उमा शंकर रॉक स्टार नाम से मैंने खोल के रखा है। अगर आप मतलब धार्मिक चीज़ें देखना चाहते हो तो फीलिंग मोटिवेशनल 2 के नाम से मैंने एक चैनल खोल के रखा है, वहाँ वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों के लिए। और जो स्टार सीरियल है ना, तो वहाँ के वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और जो शॉर्ट वीडियोस है ना कृष्ण भगवान मैंने काफ़ी डाल के रखा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग देखिए। और जो मेरा एक शॉर्ट का चैनल खुला है, तो अगर आप शॉर्ट देखना पसंद करते हो तो शॉर्ट वाले चैनल पर जाइए, वहाँ से आप शॉर्ट देखिए। तो आप लोगों को हर कैटेगरी का चैनल मैंने खोल के रखा है दोस्तों। अगर आपको जिस चीज़ में मतलब आपकी रुचि है, अगर देखना चाहते हो आप लोग जिस प्रकार का आपको देखना है प्रोग्राम, तो आपको उस प्रकार का प्रोग्राम मिल जाएगा हमारे चैनल में, आप देख सकते हो दोस्तों। तो आई होप टू आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे वीडियोज़ के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। थैंक यू, आप सभी के लिए धन्यवाद।